हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के डीआईवाई के लिए मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड शीट ली है, जिसको आपको दो स्क्वायर कट कर लेने हैं। मैंने ये टुकड़े लिए हैं जिसको मैं ठीक से कट कर लूँगी। पहले मेज़रमेंट लेना है हमें, हम चतुष्क बनाने वाले हैं, देखिए इस तरह से। तो अच्छे से नाप लेके आप पहले ये बना लीजिए, फिर कटर या सीज़र की मदद से आपको कट कर लेना है। आप जिससे भी कंफर्टेबल हो आप उससे कट कर लीजिए। मैं दो कटिंग करके रेडी कर लूँगी और जो टुकड़े बचेंगे उसका भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें दो कटिंग और उसमें से ही निकले हुए पीसेस जो है ट्रायंगल वाले वो मिल गए हैं, उसी का ही हम इसमें यूज़ करेंगे। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी में हम सूप लाप बनाने वाले हैं। तो ये हमारे टोडले बन के रेडी होने जाएंगे, जिसके लिए मैंने दो कलर के कलरिंग पेपर लिए हैं और फेविस्टिक की मदद से मैं उसके ऊपर वो कागज़ लगा दूंगी सबको। और बाद में मैंने ली है ऐसी फॉर्म शीट, जिसमें से इस तरह की पट्टियाँ कट करते हुए मैं ग्लू गन की मदद से इनको यहाँ पे साइड में लगाने वाली हूँ, ताकि हमारा कार्डबोर्ड साइड में से दिखना बंद हो जाए। तो सभी को मैं इस तरह से कवर कर लूँगी। देखिए बड़ा था जिसमें मैंने रेड लगाए, रेड कलर का कलर पेपर यूज़ किया, और जो छोटे थे उनको मैंने इस तरह से लाइट पैरोट कलर यूज़ किया है। और अब बारी है थोड़ा डेकोरेशन देने की, जिसके लिए मैं गोल्डन लेस यूज़ कर रही हूँ। डेकोरेशन आप अपनी इच्छा से अपना मनचाहा कुछ भी कर सकते हो, आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल हो उसे थोड़ा सा आप डेकोरेट कर दीजिए इसे। कार्डबोर्ड को आप कार्डबोर्ड के ऊपर आप कागज़ जब चिपकाते हो तो फेविकोल या गम से अच्छा रहेगा कि आप इस तरह की फेविस्टिक या इससे चिपकाएं, ताकि वो इवनली लगे। जैसे हमने कलर किया है वैसा ही ये लुक देता है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो तोरण बनाना हम सीख चुके थे, अब हम उसी के लिए टोडला बना रहे हैं, दिवाली के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसमें सूप लाप लिखेंगे। मेरे पास ऐसे गोटा पत्ती के कुछ फ्लावर्स है, मैं उसी से डेकोरेशन दे रही हूँ। आपके पास जो भी मिरर्स है, कुछ स्टोन्स है, हाँ जो भी पड़ा हो उसी से थोड़ा बहुत इसे डेकोरेट कर दीजिए। ये सभी छोटे छोटे जो ट्रायंगल है उसमें भी मैं गोटा पत्ती लगा देने वाली हूँ, इस तरह के फ्लावर्स। ओके, कुछ मिरर्स दो तीन लगा लिए हैं मैंने, इसके ऊपर भी लगा लिए हैं। मटेरियल आपके पास जो भी है उसका यूज़ करके बनाइए, और कम टाइम में ये बनता है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। कुछ ऐसे टेसल्स बना लिए हैं ब्लू कलर के, जिसको मैं इसके नीचे स्टिच करने वाली हूँ सुई धागे से। तो एक बता देती हूँ आपको किस तरह से करना है। टेसल्स बनाना मैंने लास्ट वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में, जो तोरण के साथ भी मैंने टेसल्स बनाना सिखाया था आपको, और YouTube पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे टेसल्स बनाने के। तो ठीक है, इस तरह से सुई धागे में करके एक मोती के साथ मैं इनको नीचे जो फॉर्म शीट हमने लगाई थी उस पे भी अपना टाका रह जाएगा, और कार्डबोर्ड पे भी अगर बड़ी सुई है तो उसमें घुसती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सभी स्टिच मैंने लिए है, हो जाता है। ठीक है, इस तरह से सभी लटकन हम लगा लेंगे नीचे, सभी को लगा लेंगे। देखिए मैंने सभी में लगा लिए हैं। अब बारी आती है इनको इसके साथ लगाने की। मैं 3D लाइनर से ही सूप लाप लिखने वाली हूँ। पेंसिल से मैंने थोड़ा लिख लिया है, उसके ऊपर ही अब मैं 3D लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने लिख लिया है, उसको सूखने देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सूखने में, फिंगर लग जाएगी तो बिगड़ जाएगा। अब बारी आती है सबको टिंगाने की, और उसके लिए मैंने इस तरह का वायर लिया है और उसमें से ही दो कटिंग लेकर इस तरह से मोड़ लिया है इसे, जिसको हम इसके पीछे लगा लेंगे ग्लू गन से सिक्योर करते हुए, ताकि हमें इसको हैंग करने में आसानी हो। आप रेडीमेड जो हैंगर्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी ये हैंग हो जाता है आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आता सूखने के बाद।
और ये सस्ता जुगाड़ है घर में पड़े मटेरियल का। ठीक है, इस तरह से आप लगा दीजिए। उसके पीछे कार्डबोर्ड या फॉर्म शीट का टुकड़ा लगा दीजिए ताकि वो वायर के एंड्स आपको लगे नहीं और वो थोड़ा मजबूत भी बन जाए। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं लगा लूँगी वो। दोस्तों, आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, ये बन के रेडी है। देखिए, मैंने इसको दोनों को यहाँ पे लगा दिया है और एक बड़ी सी लाइन कुछ इस तरह के मोती और पारे से लगाते हुए मैं नीचे भी लगा लूँगी। ठीक है, मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको दोनों में। इस तरह से मैंने लंबा बना दिया है। ये बीच वाला थोड़ा मुझे लग रहा है तो उसका मैं टेसल्स निकाल के थोड़ा ठीक कर दूँगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से हम लगा देंगे इसको। एंड फाइनली मैंने उसको हैंग कर दिया है मेरी वेलकम प्लेट के साइड में। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। आप भी ट्राई कीजिएगा इस दिवाली पे कुछ अच्छा सा डेकोरेशन और भी सस्ता वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।